नमस्कार। क्या आप भी अपने जीवन से निराश हों? क्या आप भी अपने जीवन से उदास हों? अपने जीवन से हताशा हो गए हो? आपको भी हर काम में असफलता मिलती है, जो काम लेते हो उसमें असफलता मिलती है, चारों तरफ से निराशा, उदासी, हताशा छाई हुई है आपके जीवन में, क्या सही बात है? आपको कहीं से भी उम्मीद की किरण, कहीं से भी उम्मीद का रास्ता नहीं दिख रहा है, चारों तरफ आपके जीवन में अंधकार छा गया है? क्या आपके जीवन में यह सब कुछ हो रहा है जो मैं कह रहा हूं? अगर आपके जीवन में यह सब कुछ हो रहा है ना, तो क्या यह कारण तो नहीं? आज मैं ऐसे चार पांच कारण बताऊंगा, क्या आपके जीवन में भी इनमें से एक कारण तो नहीं है? अगर इनमें से एक कारण है तो उस कारण को सुधार लेना। हो सकता है आपके जीवन में उम्मीद की किरण पैदा हो सके कि आपके जीवन में वापस आशा का संचार हो सके कि आपके जीवन में वापस एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग पैदा हो। आपको भी चारों तरफ से कोई भी रास्ते नहीं दिख रहे हैं, सारे रास्ते बंद हो गए और आप ये कह रहे हो कि मैं क्या करूं। अपने आपके मन में एक हीन भावना भर गई हो आपके मन में, तो हो सकता है कि कहीं ये कारण तो नहीं। वो कारण क्या है? देखिए, कहीं आप भी लोगों की बातों में आकर अपने फील्ड को छोड़कर दूसरे फील्ड में तो नहीं गए हो? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिसको अपने फील्ड में इंटरेस्ट होता है ना, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, बस दूसरे लोग कर रहे हैं तो उस भेड़ चाल उसके पीछे पक जाता है। भले उस काम में उसका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन फिर भी उस काम को मेहनत करता रहता है और वो खूब जी तोड़ मेहनत करता रहता है। लेकिन जब आपको उस काम में इंटरेस्ट नहीं है और आप मेहनत कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको, आपको सफलता मिलेगी? नो, नेवर, कभी नहीं मिलेगी। लोगों को देखकर अपना फील्ड न छोड़े। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट होना, उस फील्ड में चाहिए। हो सकता है कि उसमें टाइम लगे, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, लेकिन जब आप निखरोगे ना, तो ऐसे निखर के सामने आओगे कि दुनिया देखेगी। इसीलिए लोगों को देखकर अपने फील्ड को कभी भी चेंज मत करें। एक निर्धारित लक्ष्य का न होना, गलत दिशा में मेहनत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, कोई एक लक्ष्य नहीं होता है, बस ये भी काम कर लूँ, वो भी कर लूँ, तरह तरह के काम हाथ में रखते हैं। और जब तरह तरह के काम हाथ में रखते हैं ना, तो इतने सारे लड्डू हाथ में रहते हैं ना, एक भी लड्डू हाथ में नहीं आता। अपने लक्ष्य के प्रति एक लक्ष्य अपने जीवन में रखें और उस लक्ष्य के प्रति जुट जाए रात दिन, सोते बैठते, उठते, जगते, चलते फिरते, हर वक्त बस वही लक्ष्य आपके दिमाग में रहना चाहिए। बस हर वक्त ये रहना चाहिए कि मुझे मेरा लक्ष्य पाना है और मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। बस जैसे ही आंखें बंद हो, आपका वो लक्ष्य आपको नजर आना चाहिए और उस लक्ष्य के दिशा में आपको मेहनत करना होगा। आप यूं नहीं कि अपना कोई निर्धारित लक्ष्य है नहीं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं और तरह तरह के काम कर लूं, उसमें सफलता मिल रही है, उसमें मिल रही है, जब सब तरफ में जाओगे ना, हर तरफ आपको असफलता ही मिलेगी, कहीं पे भी आपको सफलता नहीं मिलेगी। थर्ड, किसी काम में देरी न रखना। आज का टाइम, आज का समय क्या होना, भले युवाओं को देख लो, भले बड़े लोगों को देख लो, बस देरी तो किसी काम, किसी चीज में है ही नहीं। बस तुरंत अभी के अभी, आज के आज मेरे को रिजल्ट चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो यार, कोई भी अगर फसल भी बोते हो ना, तो कम से कम 6 महीने लगते हैं उसको फल आने में, और आप 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 4 महीने, 5 महीने में रिजल्ट चाहते हो, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? आपको तो धैर्य रखना होगा, धैर्य के साथ में आगे बढ़ना होगा। जितने भी बड़े सफल लोग हुए हैं, जितने भी बड़े सफल बिजनेसमैन हुए हैं, तो क्या 1 साल 2 साल में आज उस पोजीशन पर पहुंचे? उनको उस पोजीशन पर पहुंचते 10 साल 15 साल लगे हैं, आज उस टॉप की पोजीशन पर पहुंचे हैं, और वो भी उन्होंने धैर्य के साथ में, जोश के साथ में, जुनून के साथ में मेहनत की, तब रातों रात पहुंच गए। नो, नेवर। इसलिए धैर्य जरूर रखें। आप भी, आपको बार बार असफलता मिलती है, बार बार हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, तो हो सकता है आप अपने काम में धैर्य न रख रहे हो। धैर्य जरूर रखें। अपने फील्ड में दूसरों से अपने आप को कमजोर समझना। हो सकता है कि आपका फील्ड और उसका फील्ड सेम हो और आप दोनों ही उस फील्ड में एक साथ मेहनत कर रहे हो, तो कहीं आपके मन में ये भावना नहीं, उसको उससे आप अपने आप को कमजोर तो नहीं समझते हो? कभी भी ध्यान रखना, अपना जब एक दूसरे का फील्ड अगर सेम होना, तो एक अपने आप को दूसरों से कमजोर मत समझना।
अगर आप अपने आप को दूसरे से कमजोर समझोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके मन में एक निराशा की भावना आ जाएगी, एक उदासी की भावना आ जाएगी। नहीं यार, मेरे से तो वो बढ़कर है यार, मैं उससे आगे नहीं निकल सकता। जब ये सोच लिया ना आपने, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उससे तो पीछे, क्या आप सबसे पीछे रह जाओगे। भले ही वो आपका पसंदीदा फील्ड हो, भले उसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्यों? क्योंकि आपने तो पहले ही हार मान ली। नहीं यार, मेरे से तो वो आगे निकलेगा यार, वो तो कर सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? अगर आप ये भावना रखते हो ना, तो ये भावना अपने मन से निकाल देना।